नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन प्रवीण जी मुंबई से। आज हम प्रवीण जी के साथ थोड़ा हटकर एक अलग मुद्दे पर बात करेंगे। आपने, मैंने, हम सब ने न्यूज में देखा कि इन दिनों वाराणसी में साईं बाबा की प्रतिमाओं को कई मंदिर से हटाया जा रहा है। प्रवीण जी एक बहुत अच्छे साईं भक्त हैं, बहुत गहराई से साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस न्यूज से उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, चलिए उनके भाव समझते हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम, ओम ओम साई साई राम। राम। प्रवीण जी, न्यूज तो आप भी देखते ही होंगे, आजकल न्यूज में क्या चल रहा है? नहीं, देखो, हर चीज को जो है ना, मेरे हिसाब से तो दो एंगल से देखना चाहिए। अगर कोई भी चीज है तो उसे हम जब दो एंगल से देखेंगे ना, तो हमारे को सही दिखाई देगा। जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि हर चीज को जो है ना, हमको दो एंगल से देखना चाहिए, हर एंगल से चेक करना चाहिए भाई क्या हो रहा है। तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि सारे मतलब साईं बाबा की मूर्तियां जो है वो और मंदिरों से हटाई जा रही हैं, और वो उनका भी जो है सोचना वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारा मंदिर है उसके अंदर ये मूर्ति अलायदा क्यों ला के रखी है। हालांकि उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि भाई ये जो है ये इस्लामिक है करके, ये उनका मतलब उन्होंने स्टडी नहीं किया बाबा के बारे में जो है ना, वो जीरो स्टडी करके उन्होंने जो है अपना राय दे दिया है। अब उसमें कोई साधु संत है, वो चांद मियाँ बोलते हैं बाबा को, वो चांद जो थे ना, वो एक उनके पास आए हुए एक इंसान थे जिनका नाम चांद था, और उनको बाबा ने अच्छा रास्ता बताया था। वो उनके साथ एक पोपट रहते थे, जो पैरट आता ना, पैरट रहता था, उनका नाम चांद मियां था। मगर ये पता नहीं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं लोग। अच्छा, होता क्या है कि साधु संत जो है ना, उनकी एक अपनी अलग जगह है, एक जगह उनकी अलग है अपनी। भगवान जो है और वो अलग है, और संत जो है वो अलग है। ये आपने हमारे हिंदू धर्म में भी सुना होगा कि जैसे बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु देव की गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु का जो स्थान है वो निश्चित ही भगवान से ऊपर ही है। वो मतलब कोई भी गुरु होवे, किसी भी धर्म का होवे, मगर गुरु का स्थान जो है ना वो परमेश्वर से ऊपर है, क्योंकि हमारे जितने भी भगवान हुए ना, उनके भी गुरु थे। आप किसी भी भगवान को ले लो तो उनको गुरु थे। जैसे राम भगवान है, राम के भी गुरु थे, कृष्ण के भी गुरु थे, या आप जो भी भगवान ले लो तो उनके गुरु थे। तो बट नेचुरल होले, गुरु का स्थान जो है ना ये भगवान से ऊंचा ही होता है। और आजकल जो लोगों ने मंदिर में बिठा लिए थे, वो क्यों बिठा लिए थे उनको पता है। उन्होंने किसी न किसी जो है ना प्रभाव में या किसी लालच में आकर के उन्होंने बिठा लिए थे, जबकि साईं भक्त इतने कैपेबल है ना कि जहां जहां से उनको हटाया है ना, उसी उसी जगह मतलब उसी शहर में और उसी लोकेशन में फिर मंदिर बनाएंगे। जो साईं भक्त है वो अलग से मंदिर बनाएंगे बाबा का, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ठीक है उन्होंने बिठा लिए थे। अब अगर किसी मंदिर में किसी ने बिठा लिया बाबा की मूर्ति, तो भगत तो जाएगा ही वहीं पे। अब उन्होंने क्या सोच के बिठाए थे वो उनको पता। भाई आज अगर उनको ये पता चल रहा है कि भाई ये इस्लामिक थे, तो जब आपने बिठाया तब तो आपको नहीं पता था, तभी भी पता था ना, तो आपने किसी ना किसी वजह से बिठाया होगा। और अभी तो जो परिस्थिति हमारे देश में चल रही है ना, हमारे देश में तो हजारों शिवलिंग उठा के फेंक दिए। ये तो कम से कम अच्छा है बाबा को निकाल के दरिया में भेज रहे, उनको तो उन्होंने कहाँ कहाँ फेंक दिया था कचरे में। तो अब तो कोई बोलने बोलने जैसे तो हम लोग रहे नहीं है, कि कोई बोल नहीं पाएगा, कैसे बोल पाएगा। जिसके हाथ में सत्ता है उसके सामने आप कैसे बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। जब उस वक्त हम चुप रहे तो अभी भी चुप रहो, भाई हमारा बाबा है, अपन अपना मंदिर बना लेंगे अलग से, भक्ति करना है। और नहीं भी बनाएंगे तो बाबा को दिल में रखेंगे। बाबा को मंदिर की जरूरत नहीं है, आपको बाबा की जरूरत है, बाबा को नहीं है जरूरत किसी की, वो तो खुद ही सक्षम है। और अगर जैसे हम कहते हैं ना कि अगर दो हाथियों की लड़ाई है, उसमें हम क्या कर लेंगे भाई, ये भगवान और गुरु की लड़ाई हो गई है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इंसान क्या कर पाएंगे। हम तो एक ही कर पाएंगे कि भाई हम जिसे चाहते हैं हम उसके लिए अपना दिल जान लगा के अच्छा मंदिर बनाएंगे, बढ़िया मंदिर बनाएंगे, और वहां अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करेंगे।
देखो, गुरु को पूजा करना ये हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है, और सनातन धर्म जो है ना वो किसी भी जात नात के बाउंड्री में नहीं है, उससे अलग है। जैसे बाबा थे तो बाबा तो पूरा सनातन ही थे, बाबा के पास हर कोई आता था, हिंदू भी आता था, मुस्लिम भी आता था, क्रिश्चियन भी आता था, सिख भी आता था, वो तो सनातन में मानते थे बिल्कुल। अच्छा, उनके मुंह पे हर वक्त नाम रहता था, राम तेरा भला करेगा, अल्लाह मालिक। अगर अगर वो सनातनी नहीं होते तो राम तेरा भला करेगा क्यों बोलते थे उनके मुंह पे? तो आप, अच्छा, साई चरित्र आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। और हमारे साई भक्तों को तो इसमें घबराने का कुछ नहीं है, तो हमको मौका दिया है बाबा ने, अपनी भक्ति दिखाने का मौका दिया है कि अब चलो इन्होंने हटाया, अभी अब तुम बना लो ना, अगर तुम मुझे आराध्य समझते हो तो तुम बनाओ, और बनाना होगा हमें। अगर हम वाकई में अगर बाबा को मानते हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं तो हमें बनाना होगा, और बहुत बेहतर बनाना होगा। जिस मंदिर में से हटाया ना उससे बढ़िया मंदिर बना करके उनको रखना होगा। ये तो आज हमारे भी शान के ऊपर आ गई ना कि भाई मतलब तुम अगर हर किसी को तुम लताड़ देंगे, चलो आज भोले बाबा के शिवलिंग को उठा के उन्होंने कचरे में डाल दिया, कोई कुछ नहीं बोला, कहाँ गए थे सब हिंदू, कोई नहीं बोल पाया, और जिन्होंने बोला उनका मुंह दबा दिया। आज आज अगर कोई साधु, कोई महाराज अगर बाबा के बारे में बोल रहा है, तो उस वक्त भी तो शंकराचार्य राम मंदिर के बारे में बोल रहा था, किसने सुना उनका? आज आप शंकराचार्य की दुहाई दे रहे हो कि भाई शंकराचार्य बोल रहे हैं, उस वक्त भी तो शंकराचार्य बोल रहे थे, तब क्यों नहीं रुकाया जाकर के वहां पे? ये अपने अपने मतलब से अपना अपना साधने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमको कोई घबराना नहीं है। हम बाबा के भगत हैं, जितने भगत हैं मिल करके बहुत बढ़िया मंदिर बनाएंगे, वो जहां जहां से हटाया वहीं बनाएंगे, बाजू बाजू में। और अगर हम नहीं भी बनाएंगे मंदिर तो बाबा तो बोलते हैं मेरे को दिल में रखो, दिल में रखो, सुबह शाम बाबा को जपो, बहुत हो गया। ये बहुत लोगों का प्रश्न आया था मेरे को भी कि आप आपका कुछ विजन दे दो इसके ऊपर। तो विजन तो यही है कि भाई अभी हम जिस तरह में फंसे हुए हैं, अभी तो इतना है कि हमको हमारी भक्ति बचानी है, हमारा घर बचाना है। आज उन्होंने इसको हटाया, कल उसको हटाया, परसों सबको हटाएंगे, जब इनको लालच लगेगी ना तो ये किसी को भी हटाएंगे। ये तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, इनका क्या है? ये जो आज जो पॉलिटिक्स चल रही है इसमें कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, और जो बोल रहा है उसी के पीछे लग रहे हैं, और हर किसी के बारे में झूठ फैला रहे हैं, सारा झूठ। झूठ यानी ऐसा झूठ ना कि जिसको हम सुन करके पागल हो जाएंगे। अब बोलने जाओ तो ज्यादा पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वो आप भी रिलीज नहीं कर पाओगे, बोलेगे प्रवीण भाई आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मेरा चैनल बंद कर देंगे ये लोग। वहां भी आकर के अपने को सोचना पड़ता है, नहीं तो मैं सब कुछ बोलने जाऊं ना तो वो आपको रिलीज कर दे, आपका चैनल बंद कर दे, बोले इसको बंद करो। और क्या, अभी देखो जब बोलते हैं ना तूफान आया ना, जब तूफान आता है तो जो आदमी झुक जाता है ना वो बच जाता है, और वो फिर शहर खड़ा कर लेता है, जो तूफान में अड़के खड़ा रहता है वो उड़ जाता है। तो हमारे को उड़ना नहीं है, अभी तूफान आया हुआ है, थोड़ा सा झुक जाओ, अपने तरीके से अपना महल फिर बना लेंगे, हमारे बाबा के लिए हम फिर मंदिर बना लेंगे। है भक्तों में हिम्मत है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसके लिए बहुत सेंटिमेंटल हो जाओ। जब उन्होंने बिठाया था तब हमको पूछने नहीं आए थे कि भाई हम बिठाए कि नहीं बिठाए, आज वो हटा रहे हैं तो हमको क्यों पूछेंगे हम हटाएंगे नहीं हटाए, भैया आपकी मर्जी है। हाँ इतना है खाली, जो लोग हटा रहे हैं ना उनका आप एक चेहरा चेहरा समझ लो, ये फिर वही दिखेंगे शिरडी में, जो हटा रहे हैं ना ये फिर वही दिखेंगे शिरडी में, क्योंकि ये तो मौका परस्त है, इनको जब जरूरत थी तो बिठा दिए, जब जरूरत नहीं है तो हटा दिए, तो ये फिर बिठाएंगे, जब इनको जरूरत लगेगी आपकी तो फिर बिठाएंगे। उसके लिए कोई मतलब बहुत ज्यादा आप दिल पे मत लो इस चीज को। बाबा तो बोले ना, बाबा बोले मेरे को दिल में रखो यार, तुम लोग आनंद में रहो, कोई इसकी चिंता मत करो। अच्छा है बाबा ने मौका दिया है, अब आपकी आजमाइश है कि अब आप क्या करते हो, आप कितना बड़ा मंदिर बनाते हो। लड़ना नहीं है, किसी संत महात्मा ने लड़ना नहीं सिखाया,
क्योंकि वो संत है, वो अध्यात्म है। अध्यात्म का और संत का ऐसा रिश्ता है गहरा। तो अध्यात्म तो लड़ाई नहीं सिखाता है, अध्यात्म तो अपने आप को साधना सिखाता है। भाई आज अगर किसी ने समझो हमारे आराध्य को अपने घर से निकाल दिया, तो हम अपने घर में रखेंगे, हम अलग मंदिर बना के रखेंगे उसे, और थोड़ा तो जो है ना परेशानी तो उठाना होगा। अगर किसी को चाहना है और अपनी चाहत दिखाना है तो परेशानी तो उठाना होगा। बस यही है कि सब जन मिल करके एक जिसको बोलते हैं ना व्रत ले लो, जिद ले लो, भाई हम बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे 2 साल में बनाएंगे, 2 साल में नहीं 3 साल में बनाएंगे, मगर बनाएंगे, ये दिल में ले लो। हाँ, मगर जो जो लोग हटा रहे ना उनका उनका फोटो अपने नजर में रख लो, ये जरूर दिखेंगे सीरीडी में। ये तो मैं लिख के देता हूं, आप लिख लो, इनको वहां जाए बगैर छुटका ही नहीं है। भक्त यही समझ लो कि भाई मौका मिला है, गुरु भक्ति दिखाने का मौका मिला है, बस और क्या। जी गुरु की भक्ति दिखाएंगे। और अब कुछ किस्से सुनाता हूँ अच्छे से, प्रवीण जी, कुछ अच्छे किस्से सुनाता हूँ। किस्से सुनने से पहले प्रवीण जी, एक मेरी आपसे एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, हाँ खत्म होने को आ रहे हैं, हम मतलब मिडिल में आ गए हैं नवरात्रों के। आपने बात की बिल्कुल थी माता के एक मंदिर की, जिसमें माता ने हाँ हाँ आपको साक्षात वो वहां पे हैं विराजमान है, आपने बताया था, और वहां पे हाँ भंडारे वगैरह भी होते हैं। बहुत सारे लोग चाहते थे कि उस मंदिर के दर्शन कर सकें, लेकिन आपने बताया था कि माता की आज्ञा नहीं है कि उस मंदिर को का प्रोपगंडा किया जाए, उसमें भीड़ भाड़ करी जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ नहीं तो उस मंदिर का एक या दो फोटो भेजिए, जो मैं कम से कम इस जरूर चैनल पे, इस वीडियो में, इस दौरान में लगा सकूं, ताकि जिनके मन में जरूर भाव है माता का, वो एक्चुअली उनके दर्शन कर सके। क्योंकि बहुत लोगों जरूर ने जरूर कमेंट जरूर किया था कि नवरात्रों में उस मंदिर से रिलेटेड वीडियो बनाइए, या फिर आप वहां खुद जाइए, या किसी भी तरीके से उस मंदिर के दर्शन कराइए। तो मैं वहां नहीं जा सकती, आप भी अभी वहां नहीं है, तो इस समय कम से कम एक फोटो से हम माता के नहीं, दर्शन तो कर ही सकते। मैं अभी नवरात्र में जो है ना, नवरात्र में मेरा रोज जाना होता है मंदिर पे, मगर अभी क्या बीच में मैं जब से आया दुबई से तब से मेरी तबीयत थोड़ी सी हाँ, वो आपने बरोबर नहीं बताया थी, था। तो मैं खुद भी नवरात्र में एक ही दिन जा पाया। तो अभी कल मैं जाऊंगा ना, तो कल मैं जा करके और उसकी शूटिंग निकाल करके मैं आपको कल ही भेज दूंगा, ताकि ठीक आप वो कम से कम दर्शन करा सकेंगे सबका। है, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ तो मेरे पास मिल जाएंगे, अभी भी अवेलेबल होंगे, मैं भेज देता हूँ, अच्छा क्योंकि ठीक है। मैं अभी रात में तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ से ये नहीं 2 घंटे नहीं का नहीं रास्ता है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, वहां जाते जाते अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा बारिश हो जाए। बहुत चालू है हाँ, अभी मेरे मुंबई को, में हमारे बारिश हो रही है। नहीं हाँ, सुना मैंने। मुंबई में, और जहाँ पे मंदिर है ना जंगल में, वहां पे बहुत बारिश। अभी मेरे आदमी ने मेरे को फोटो भेजा ना, बहुत बारिश चालू है जोर से। मेरे पास जितने फोटोज है ना मैं भेज देता, उसमें से जो आपको अच्छा लगे ना वो हाँ आप जरूर दिखाइएगा दर्शन करने के लिए। हाँ और बिल्कुल। माता जी से मैं हुक्म ले रहा हूँ कि मेरे को हुक्म देवे, मगर अभी तक हुक्म नहीं मिला है मेरे को। कोई मैंने बात आपको कहा नहीं, था ना मैं आपको बॉम्बे बुला लेता हूँ, सही मगर मेरा समय क्या पे हो अपने जाता, आप। हाँ क्या होता है मेरा कि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। माता जी ने बोला है कि मेरा प्रोपोगंडा करना नहीं है, तो बिल्कुल अभी मैं माता जी को पूछा, मैंने कहा माँ अभी सबको सबको चाहिए तो मेरे को रास्ता बताओ कुछ, तो अभी देखो अभी कल भी जाऊंगा, अगर कुछ रास्ता बताए ना तो फिर उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, मगर मैं फोटो तो भेजूंगा, मैं आप फोटो आप दिखा जी, सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, जरूर जरूर क्योंकि जरूर। फोटो दिखाने से लोगों का भी शांत मतलब मन को शांति मिलेगी और बहुत खूबसूरत है। मैं आपको 4 से 10 फोटो भेजूंगा, बढ़िया बिल्कुल सब बिल्कुल। अलग अलग फोटोज जो है ना सब भेज दूंगा मैं सारे। ठीक है, अब प्रवीण जी आप अपनी किस्से शुरू कर सकते हैं। हाँ, किस्से में ना अभी क्या हो रहा है कि लोग जिसको बोलते हैं ना कि जादू टोना इसके बारे में बहुत बात करते हैं, तो इसी में एक एक्सपीरियंस मेरे को भी हुआ है जादू का, यानी जो बोलते हैं ना तंत्र विद्या जो करते हैं ना, उसका एक एक्सपेरिमेंट मेरे को भी बहुत बड़ा हुआ है। और उस वक्त बाबा ने जो किया ना वो मतलब हम सोच भी नहीं सकते वैसा काम किया था उन्होंने, जब मेरे को उसमें से बाहर निकालने के लिए ऐसा काम कर लिए थे ना कि जो हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें हुआ ऐसा था ना कि किसी से मेरी दोस्ती हो गई थी, तो वो ये चाहता था कि अगर इसका परिवार समाप्त हो जावे तो ये मेरे साथ हो जावे, ऐसे उनके दिमाग में थोड़ा कल्पना आ रहा था। तो एक दिन दोपहर को मैं घर पे आया, घर में आया तो वाइफ गई खाना बनाने, और खाना बना के जैसी मतलब आई
रोने लगी बहुत जोर से। अरे मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले मेरे को पता नहीं, कोई यहाँ मार रहा है, कोई यहाँ मार रहा है, कोई यहाँ मार रहा है। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया, मतलब इधर तो कोई है ही नहीं घर में, तो घर में मैं हूं और आप हैं, तो ये मार कौन रहा है तुम्हें? तो बोले पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा बहुत जोर से मार रहा है, मेरे को अभी खड़ा रहने को ताकत नहीं है। तो मैंने तुरंत पता नहीं क्या दिल में आया, तो जा करके एक नींबू ले आया किचन में से, और ला करके उसको ऐसे ऐसे उतार करके जो है ना ऐसे खिड़की में से बाहर फेंक दिया जोर से। तो 2-5 मिनट के बाद में उसको रिलैक्स हो गया, एकदम एकदम रिलैक्स हो गया बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये कैसे हुआ? उतना थोड़ा आधा घंटे के बाद में जो मेरा फ्रेंड था ना, उसके भाई ने मेरे को फोन किया, बोले प्रवीण भाई ऐसे ऐसे हो गया और इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो मैंने कहा यार तबीयत खराब होगी तो मैं आता हूँ। तो मैं तुरंत अपना बुलेट लेकर के, और थोड़ा लंबा था हमारे यहाँ से समझो एक आधा पौना घंटे का रास्ता था, मैं चला गया। तो वहां पे देखा तो सेम उसको यही परेशानी जो इसको था। तो मैंने कहा अब इसको ठीक किया उसको भी कर देता हूँ। तो उधर भी वही कर दिया मैंने, नींबू लेकर के उसको उतार करके जो है वो फेंक दिया नाले में। तो 15-20 मिनट के बाद में वो भी ठीक हो गया। मेरे को उस वक्त समझ में नहीं आया कि किस्सा क्या हुआ, यानी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो कम से कम समझो ना उसके एक 15 दिन के बाद मैं ऐसे दोपहर में सोया हुआ था, अचानक से मेरे को है ना कोई आदमी दिखा, वो ऐसे कुछ तंत्र विद्या कर रहा था, ऐसे बैठ करके जो है ना जैसे तंत्र विद्या करते ना वो, ऐसे गुड़िया उड़िया बना के ऐसे कुछ कर रहा था। तो मैं भी देख रहा था, मैंने कहा कौन है ये क्या कर रहा है? उतने में बाबा ने आवाज दिया, बोले देखता क्या, बोले पकड़ ले उसकी गर्दन। तो मैं यहीं से जो है ना, मतलब मैं मुंबई में बैठा हूं और वो पता नहीं कहाँ था, वो गर्दन पकड़ ले, मैं पकड़ लिया गर्दन, ऐसे गर्दन पकड़ लिया तो लगा तड़पने। फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो उसका कार्यक्रम खत्म कर दिया बाबा ने। और फिर उसके बाद में अचानक से मेरे को वही आदमी दिखा वापस सामने। मैंने कहा था यही कुछ गड़बड़ करा रहा था। फिर मैं बुलेट लिया, और मैं जिद्दी बहुत था उस टाइम, ये यंग स्टेज यंग यंग टर्म के बात है, बहुत जिद्दी था। मैं बुलेट लेकर के गया उसके वहां पे। अरे मैंने कहा कहाँ है? तो बोले उसके भाई ने बोला, बोले नहीं है यहाँ, गाँव गए। मैंने कहा वो जहाँ गया ना, बोला उसको तो उड़ा दिया, कब का गया, चला गया वो, इतना बोल के मैं आ गया। और वाकई में जब वो वहां पे गया तो वो तो उसकी फ्यूज उड़ गया था। उस दिन उसके दिमाग में डर बैठा कि भाभी ये आदमी जो है ये हमसे तो बहुत आगे है। फिर उसके बाद में मैं जब जब उनको मिलना चाहूँ ना तो वो थोड़ा लंबा ही रहो, मैंने कहा तुम मेरे से लंबा ही रहो। ये इतनी बड़ी शक्तियां हैं ना कि यहां बैठ करके अगर हम कहीं देख सकते हैं तो हम यहां बैठ करके किसी को पकड़ भी सकते हैं। ये मैंने मेरा खुद का अनुभव लिया है, यानी बाबा इतनी शक्ति प्रदान कर देते कभी कभी। जब ऐसी शक्ति हमारे साथ है, हमारे को क्या विचार करना किसी, ये छोटा मोटा जादू टोना ये खेल चलते रहता है और हर किसी के साथ चल रहा है। हाँ। उसके बाद में जब उनसे मुलाकात हुई मेरी, मैंने उसको ईमानदारी से बोला, मैंने कहा तू अपने रास्ते पे जाना, मेरे को अपने रास्ते पे जाने दे। कि जो लोग ऐसे करते हैं ना उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हम। भाई इंसान हो, इंसान बन के रहो, इंसान हो, इंसान बन के रहो। हालांकि बाद में पता चला कि उसका जो गुरु था ना, जो वो कम से कम यहां से, मेरे यहां से कम 400-500 किलोमीटर दूर होगा, मगर ये शक्ति ऐसी चलती है। ये सब लोग बातें करते हैं ना, भूत प्रेत जादू टोना, ये बातें बहुत खूबसूरत लगती है, मगर जब इसके अंदर आदमी उलझ जाता है ना तो बाहर निकलने के लिए जो है ना उसको अगर कोई बड़ी शक्ति होगी साथ में तभी वो सही सलामत निकल सकता है। ये एक छोटी सी कहानी थी ऐसी, तो मैंने कहा आज बताता हूँ, ये इस तरीके का भी काम होता है दुनिया में, यानी लोगों को पता नहीं चलता मगर होता है ऐसे काम। तो प्रवीण जी, आपने जो बोला कि ये जो काली शक्तियां होती है, नेगेटिव एनर्जी, जादू टोना, तंत्र मंत्र होते हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी तो है ही ना। अभी आपके साथ जो 100% दुबई वाला केस हुआ, आप वो भी शेयर करना चाहेंगे सबके अभी जस्ट साथ? अभी 8 दिन पहले हुआ है। तो क्या है वो अभी मतलब कुछ दिन के बाद
एक बार उसका रिजल्ट ओके हो जाने दो, यानी ओके किसी की परेशानी थी तो अपने अपने तरीके से उसको कर लिया काबू में, मगर वो क्या जितना मैंने सोचा था ना उससे बहुत बड़ी परेशानी थी। यानी मेरे लाइफ में ना इतना बड़ा चैलेंज कभी नहीं आया मेरे को, कि जो मेरे को समझो ना कम से कम आज 8 दिन हो गए, 8 दिन जिसने मेरे को मतलब ऐसा कर दिया। अभी तो मैं बात कर पा रहा हूँ, अगर आप कल परसों मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर देना तो मेरा ये आवाज भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो मतलब बहुत बड़ी भला थी। और पता नहीं बाबा ने ऐसा बना दिया है ना कि किसी से भी लड़ जाता हूं तो अच्छा, उनसे कोई मिलने का मेरा कार्यक्रम भी नहीं था, वो तो अचानक जो है ना वो किसी ने बोल दिया कि मतलब मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो संडे का दिन था फिर भी उन्होंने बोला नहीं उनको ले आओ, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं तो संडे के दिन भी ऑफिस खोल के बैठे, बोले तू ले आओ उसको, तो चला गया था मैं। और मेरा आदत है किसी के यहाँ जाता हूँ तो फिर कुछ ना कुछ उसका काम करे तो ठीक लगता है, जरा थोड़ा कर दिए थे अभी थोड़ा उसका एकदम ओके हो जाने दो, फिर पूरी कहानी में ना एक दिन आपको अच्छी तरह से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ठीक है अभी वो मतलब बिल्कुल। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी हाँ अभी मतलब नहीं उसको एक जगह तक ले गया हूँ, नहीं अभी बिल्कुल, खत्म होना फाइनल बाकी है रिजल्ट थोड़ा, होने के बाद आप डिक्लेयर कीजिएगा। बिल्कुल अच्छा प्रवीण करूंगा जी, अभी आप जरूर। जैसे जैसे अभी आप बता रहे हो ना काली शक्तियों के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, बहुत सारे लोगों के घरों में लोग ऐसा फील करते हैं कि हमारे आसपास किसी की प्रेजेंस है, कोई कुछ एनर्जी है आसपास। लोग बहुत लोग ऐसे फील करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, हमारे घर में कुछ है, हमारी तरक्की नहीं हो रही। अगर ऐसे किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाए और उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा हो जो उसको इस समाधान से मतलब दे सके या इस परेशानी से बाहर निकाल सके, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए क्या है कि समझो नेगेटिव एनर्जी आ गई आपके वहां, बरोबर है, आपको फील हो रहा है नेगेटिव एनर्जी है, तो एक तो जो मैंने नमक चाटने का बताया हूं सुबह और रात को वो है, दूसरा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पे चले जाओ, हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ और एक देखना आप जब हनुमान जी के मंदिर में अंदर घुसते हो ना तभी घड़ी देख लेना कि भाई घड़ी में कितने बज रहे, वो देख करके अंदर जाना, चाहे जो भी हो जाए कम से कम 2 घंटा, 2 घंटा आप वहां बैठना मंदिर में, यानी मंदिर के कंपाउंड से बाहर नहीं निकलना, जहां पे थोड़ा बड़ा कंपाउंड हो ना मंदिर का, जहां पे आप आराम से बैठ सको आप बैठना, आप नाम जाप करोगे तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं, अंदर बैठना। क्या होता है कि मंदिर के परिसर के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है, और उनका जो है ना एक प्रिंसिपल है नेगेटिव एनर्जी का, हमारे में ना चौघड़ी है, चौघड़िया आपको पता होगा ना, तो हमारे पंचांग में चौघड़िया है, वो चौघड़िया 1.5 घंटे का एक होता है, 1.5 घंटे का एक होता है, तो जब वो चौघड़िया बदली होता है ना उस टाइम पे वो नेगेटिव एनर्जी विदाउट बॉडी का नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी के बॉडी में जाना ही है, तो जब आप मंदिर के अंदर गए तो वो नेगेटिव एनर्जी बाहर रुक गया, अगर आप 2 घंटा बैठ गए तो 1.5 घंटे के बाद किसी के ना किसी के बॉडी में प्रविष्ट हो जाएगा, चाहे वो जानवर के बॉडी में प्रविष्ट हो जाएगा चाहे वो इंसान के बॉडी में हो जाएगा, उसको प्रविष्ट होना ही है, कि नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो जब चौघड़िया बदली होता है और दिन के टाइम, रात के टाइम उसको प्रॉब्लम नहीं आता है, दिन में टाइम जब सूरज उगा हुआ है उस टाइम में वो चौघड़िया जब बदली होता है तब वो नहीं रुक पाता है। ये ट्रीटमेंट मैंने बहुत लोगों को बोला हूं, किसी किसी ने किया है उनको फर्क भी पड़ा है, बहुत नेगेटिव एनर्जी हट गया है, एकदम सिंपल इलाज है। और वहां से थोड़ा सा सिंदूर एक अपने डब्बे में ले आओ, छोटी से बोतल में, उसके अंदर जो है ना चमेली का तेल डालते हैं, सिंदूर के अंदर थोड़ा चमेली का तेल डालते हैं और उसको आप सुबह में लगा दिया करो माथे पे, सुबह सुबह जो है माथे पे लगा दिया करो, तो नेगेटिव एनर्जी चाहे के भी आपका कुछ नहीं कर सकेगी, किसी का नहीं कर पाएगी। अभी तो मैंने बीच में एक पूरे फैमिली को बोला, जिनके पूरे फैमिली में था नेगेटिव एनर्जी, मैंने उनको बोला तुम सब जाओ जाके मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में 2 घंटा बैठो और आने के टाइम सिंदूर लगा के आओ, और थोड़ा सिंदूर घर में ले आओ रोज लगाने के लिए। देखो ये जो सब ट्रीटमेंट है ना, मैं ऐसा ट्रीटमेंट देता हूं ना कि जिससे किसी को किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, भाई जब आप किसी के पास जाते हो ना तो वो क्या होता है कि
कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, और कर भी लेगा तो फिर वो आप उसके पास वापस नहीं जाओगे तो उसको बुलाना है, क्योंकि वो तो काम ही वही लेके बैठा है ना, उनका तो काम ही है। जैसे अभी हम लोग अगर कोई धंधा करते तो हम भी चाहते हैं ना कि भैया वापस आवे हमारे पास। तो इससे अच्छा क्या है कि नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए ये एकदम सरल मार्ग है बिल्कुल। और उसमें और भी एक प्रोटेक्शन होता है कि आप मंगलवार के दिन चले जाओ, लाल दौरा साथ में ले जाओ, हनुमान जी के पैर को लगा लो और बाद में अपने हाथ में बांध लो, जैसे ऐसे ऐसे दौरा बांधते ना अपन, ऐसे दौरा बांध लो, वो भी प्रोटेक्ट करता है। आप सिंदूर लगाओ या लाल दौरा बांधो, बात एक ही है। सिंदूर आपको रोज लगाना पड़ता है, लाल दौरा एक बार बांध दिया तो आपका काम, जब तक वो दौरा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी समझो बाई चांस टूट भी गया तो फिर चले जाना हनुमान जी के मंदिर में, ये सबसे सिंपल इलाज है एकदम। ये अलग 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 इलाज जो है ना, ये धीरे 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 पता चलता है कि जब हम रास्ता ढूंढते हैं तो रास्ता पता चलता है। रास्ता ऐसे रास्ता ढूंढना है ना कि कल अपन रेवे नहीं रेवे वो भी अपने चार जन को बोल सकता है, वो भी किसी चार जन को बोल सकता है ना। अच्छा ये नेगेटिव एनर्जी का होता क्या है कि बहुत सी नेगेटिव एनर्जी है ना जो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती है, तो वो क्या करते हैं रात के टाइम जा करके जो है मंदिर में बैठ करके अपना पाप धो लेते हैं। मगर बहुत ऐसे रहते हैं ना कि जो उससे भी उनका जी नहीं भरता है, नेगेटिव एनर्जी प्रेत आत्मा में आने के बाद भी उनका जी नहीं भरता है, तो फिर वो क्या करते हैं, ये तांत्रिक लोगों की वजह से ये कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। ये ऐसे बहुत से किस्से हैं कि हर तरीके की एनर्जी है ये। तो हनुमान जी के मंदिर में जाओ, दूसरा आपके घर में शाम के टाइम नमक का पोछा लगाओ भाई, हफ्ते में 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ, उससे भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाएगी। और आपके घर में चाहे किसी का भी घर है, नॉर्थ ईस्ट में आप वजन मत रखो या उधर गंदा मत रखो। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ना, वहां पे अगर आप वजन रखते हो तो एनर्जी दब जाएगा, तब तो नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में आने का मौका मिल जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जगह को क्लियर रखते हो साफ सफाई करके, और वहां पे अगर कोई सोफा या कुछ कबाट नहीं रखते हो तो आपका घर पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी वो जैसे अभी आपने वास्तु वास्तु के आदमी को आपने फोटो देखा होगा, वास्तु के आदमी का, उसमें जहां उनकी मुंडी है ना, जो हेड है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर हम लोग वहां पे वजन रखते हैं, मतलब आपके नाक पे वजन रखते हैं, अगर आपके नाक पे कोई वजन रख दे तो आपकी हालत क्या हो जाएगी। तो उसी तरह अगर हम हमारे घर के या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम वजन रख देते हैं तो पॉजिटिविटी जो है वो खत्म होती है। हाँ साउथ वेस्ट में आप जितना वजन रख सकते हो उतना रखो, साउथ वेस्ट जो है ना वो आप जितना वजन रखोगे ना उतना पॉजिटिविटी बढ़ेगा। साउथ वेस्ट को हेवी रखो मगर नॉर्थ वेस्ट को लाइट रखो एकदम। वास्तु भी कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, वास्तु के चारी चारी जो है ना, ये चार सिद्धांत आप समझ गए ना, एक नॉर्थ ईस्ट, एक साउथ ईस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जैसे नॉर्थ वेस्ट होता है ना, तो नॉर्थ वेस्ट जो है ना वो अग्नि का कोना है, वहां पे आपका किचन होना चाहिए, वहां पे किचन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। और जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट जो है वहां पे आपका टॉयलेट होना चाहिए। ये इसका चार पांच प्रिंसिपल है। अभी ठीक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है अपने को, मगर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ठंडे दिमाग से देखेंगे तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप रात को सोने के टाइम आपका जो हेड है वो साउथ की तरफ रख दो, तो अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी भी तो भी हट जाएगी। यानी ये सब छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है, इनको फॉलोअप करने से निकल जाता है। हाँ अभी का आज का ही बात है, मतलब आज ही किसी को मैंने एक ट्रीटमेंट दिया था, वो आदमी कोमा में चला गया है। अभी आज का ही मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, वो कम से कम 7-8 साल से जो है ना वो कोमा में है। तो किसी ने बोला था क्या, बोले प्रवीण भाई इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा ठीक है करो, कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते। तो उनको एक गिलास दिया था कि भाई ये कपड़े के थैली में जो है ना
1 किलो कोयला ले लो और उसके अंदर 7 नींबू डाल दो और 7 हल्दी का जो ऐसा हल्दी की अक्खी अक्खी कड़ी आती ना, अक्खी कड़ी, 7 कड़ी को एक साबुत हल्दी मुई, जिसको बोलते हैं, जो हाँ खड़ी लंबी हल्दी, वाली, खड़ हाँ हाँ खड़ी हल्दी, हाँ हाँ खड़ी हल्दी, हाँ, उसको सात सात को लेकर के एक मोइले में लपेट, जो मोइले दोरा बांधते ना वो पूजा में, हाँ उसको लाल मोइली बोलते हैं धागा, पूजा में हाँ दोरा, पूजा का, हाँ हाँ तो हाँ उससे उस हाँ उससे बांध लो सात सात हल्दी को और वो भी वो थैली में डाल दो और जहां पे वो पेशेंट सोया है ना उसके सर के तरफ कहीं भी ऐसे लटका दो। तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया, बोले प्रवीण भाई आप बोल रहे हैं लटका दो मगर ये लटकाने से ये काम कैसे करेगा। अच्छा उनका भी बोलना सही है ना, बोले तुम हर चीज का एक्सप्लेनेशन इसका भी दो मेरे को। तो मैंने कहा ये जब तीन चीज एक जगह जमा होती है ना तो ये एक रेडिएशन क्रिएट करती है, एक रेडिएशन उसके अंदर क्रिएट होता है कि जिसको हम आंख से नहीं देख सकते ना हम उसको जांच सकते हैं मगर वो अपना काम करता है। तो जब आपने उसको लटका दिया तो वो जो है ना ये आपके ब्रेन के अंदर है ना वो बैलेंस करेगा, अनबैलेंस होने की वजह से वो कोमा में चला गया, उसका कोई ऑपरेशन हुआ था तो कोमा में चला गया। तो मैंने कहा जब ये आप लगाओगे ना तो वो रेडिएशन जो है ना ये उसको बैलेंस करेगा, जैसे अभी हम सब जो कैंसर हुआ तो कैंसर का जब वो लोग रेडिएशन मार दे तो दिखता कहाँ है, रेडिएशन रेडिएशन दिखता नहीं है मगर वो काम करता है। तो उसी तरह ये जो रेडिएशन है ना ये बैलेंस करता है, ये जो है ना ये ब्रेन को जो है ना ये बैलेंस कर देगा, तो ब्रेन बैलेंस हो जाएगा तो वो कोमा से बाहर आएगा, कोमा जो है वो ब्रेन से ही आदमी कोमा में चला जाता है। तो उनकी समझ में आई क्योंकि वो भी जो है ना वो थोड़ा मतलब साइंस का ही स्टूडेंट था तो वो पूछने लगा गया, बोले आपने बोल दिया प्रवीण भाई बरोबर हम लगा देंगे मगर इसको काम कैसे करेगा ये। तो मेरे को तो क्या, अच्छा मेरे को भी नहीं मालूम था काम कैसे करेगा, मैं भी बाबा से पूछ लिया मैंने बाबा ये काम कैसे करेगा बता दो। तो उन्होंने बताया बोले प्रवीण ये इसके अंदर एक रेडिएशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये काम कर लेता है। तो मैंने कहा फिर उसको अमावस्या के दिन निकाल करके पानी में डाल दो फिर दूसरा थैली लगा दो, क्योंकि क्या होता है कि अमावस्या के दिन है ना उसका मैक्सिमम एनर्जी यूज हो जाता है, फिर उसके बाद में वो काम का मतलब यूज भी नहीं आता है और वो उसको चेंज करना जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीज हम लोग जो भी अगर आध्यात्मिक तरीके से तंत्र के लिए जो हम लोग वापरते हैं चीज ये भी एक साइंस ही है प्योर, मगर ये वो साइंस है ना कि जो आज तक साइंटिस्ट लोग नहीं समझ पाए, डॉक्टर लोग नहीं समझ पाए, ये वो साइंस है। अभी बहुत से लोगों ने अभी कल भी एक जन का मैसेज था कि बोले प्रवीण भाई वो जो आपने डायलिसिस का बोला है तो एक बार आप प्रैक्टिकली बना के एक वीडियो बना दो। तो मैंने वो कपड़े के लिए बोल दिया हूँ पट्टी बनाने के लिए, मैंने कहा एक पट्टी बना के ले आओ कपड़े का, तो एक दिन मैं उसको अपने घर में ही जो है ना उसको बराबर ये करके, और एक एक पेशेंट भी है मेरे नजर में वो पेशेंट का ही करूंगा ताकि उसका भी काम हो जाए। तो उसका एक पेशेंट है जो डायलिसिस करा रहा है हमारा फ्रेंड ही है, तो उसके वहां पर जाकर के फिर अमावस्या के दिन कर लूंगा काम, तो उसका काम भी हो जाएगा और वो वीडियो भी बन जाएगा साथ ही साथ। तो प्रवीण जी, मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगी। आपने बताया एक थैला लेना है कपड़े का, उसमें हमें लकड़ी का कोयला डालना है, 7 नींबू डालने हैं, 7 हल्दी की गांठें लेनी है, उनको आपस में मोटे से बांध देना है, सबको थैले में बांध कर पेशेंट के सर के पास उसको लटका देना है, राइट? और उसको अमावस्या सर पे के पास जो बदलना भी है। दीवार होगी ना हाँ सर से अगर 2-3 फुट लंबा भी होगी ना दीवार तो दीवार हाँ पे लटका देना है बस, और अमावस्या पे ताकि चेंज वो करना है। हाँ अमोशा के बाद चेंज करना है। अगर कोई कोमा में है तो आदमी अगर कोई कोमा में है उसको कोमा से बाहर लाने के लिए वो हाँ ये हाँ रेडिएशन काम करेगा। जी होता क्या है आदमी कोमा में रहता है मगर वो अंदर से बहुत तड़पता है अपनी मूवमेंट करने के लिए मगर वो कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है क्योंकि ब्रेन उसका साथ नहीं देता है, ब्रेन जो है ना वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता है तो उसकी वजह से वो। अच्छा जैसे हम लोग जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है तो वो कहाँ काम करता है बरोबर, और जैसे हम लोग वायरस को जैसे हम लोग निकालते हैं ना उसी तरह ये मतलब हटाने का काम करता है उसका प्रॉब्लम को वायरस को। ये आप किसी भी अगर कोई आदमी कोमा में तो उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, अभी जो आपने उपाय बताया क्या कहते हैं, कोमा से बाहर आने का, हो सकता है जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है उनके कोई सगे संबंधी, उनके कोई दोस्त अगर कोमा में है तो शायद ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार साबित हो। ऐसे ही प्रवीण जी आप, वो लोग इसको यूज करके देख सकते हैं, वो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही प्रवीण जी लोग एक यूज मैं करके। और आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आया था आज से करीब 1-1.5 हफ्ते पहले, मैंने पढ़ा था, किसी ने पूछा था कि उनकी तिजोरी से, उनके घर से पैसे अपने आप गायब हो जा रहे हैं।
ऐसा कैसे संभव है कि घर से पैसे अपने आप अचानक से गायब हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये या तो कोई चोरी करे तब तो हो सकता है, या अगर चोरी नहीं कर रहा है और अगर ऐसी जगह में पड़ा हुआ है कि जहां पे उसकी गिनती नहीं है, अगर गिनती नहीं है और अगर वहां पे पड़ा हुआ है तो वहां से हो सकता है। ये जो तंत्र के अंदर है ना, एक ऐसे भी प्रकार है, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं मुझे उसको, मतलब ऐसे लोग तंत्र के भाषा में डेढ़ फुटिया बोलते हैं उसको। एक ऐसी शक्ति है जो मतलब इस तरीके का काम कर सकती है, यानी अगर कहीं पे भी कुछ पड़ा हुआ है और आप अगर उसको कमांड दे दो कि भाई वहां से ले आओ तो वो ले आ सकती है। अच्छा, वो वो यानी एनर्जी है, वो वो किसी तरीके की एनर्जी एनर्जी है। है। हाँ हाँ एनर्जी है। हाँ ओके एनर्जी ओके है जो मतलब बहुत कम लोग मतलब यूज करते हैं उसको। ये मैंने भी एक दो बार इस तरीके की बातें सुनी थी सारी, और ये होता है क्योंकि मैंने एक बार जो है ना वो उसके कुछ झलक देखी हुई है मैंने, वो जो डेढ़ फुटिया होता है ना उसकी कुछ झलक मैंने देखी हुई है, तो मैं जानता हूं कि इस तरीके का होता है। जब आपने मेरे को वो क्वेश्चन भेजा था ना, तो मैंने उसमें आंसर भी दिया था कि जहां पर वो रख रहे हैं, जहां पर वो पैसे रख रहे हैं ना, वहां पे एक लाल कपड़े में अगर 7 लवंग बांध के रख दो तब वो वहां से दूर रहेगा, वो एनर्जी वहां जा नहीं पाएगी। वो एनर्जी जो है ना वो उस जगह पे, आपको पता होगा पहले जूने जमाने में देखो तिजोरी के अंदर है ना लाल कपड़ा बिछाते थे, अगर आपने देखा होगा ना पहले जूने जमाने के जो लोग थे वो जी जी इस चीज को जी जानते थे, और उस जमाने में ज्यादा था ये चीज, तो ये ऐसे लाल कपड़ा बिछाते थे, फिर उसके ऊपर जो है वो अपना ऑर्नामेंट जो भी रखना रखते थे, और वो एक कोने में जो है ना लवंग भी रखते थे, मगर वो सबको पता नहीं होता था। वो क्या करते, जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा होगी तो पूजा में जो लवंग रखा है तो वो उठा करके वो महाराज बोलते इसको तुम तिजोरी में रखो। अब वो कौन से सेंस से बोलता था, वो एक तंत्र का भी प्रकार है वो। आज आज मैं तो क्या, मैं सब खुला बोलता हूँ, बाकी उस टाइम पे लोग उसको खुला बोलने को मतलब आदमी कुछ और समझ लेता था। तो ये एक प्रकार है जो होता है, ये चीज होता है, ये होता है, यानी वंस इन अ मून, बहुत रेयरली होता है, बाकी 99% तो चोरियां ही हो जाती है, मगर ये भी प्रकार होता है। जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था उस टाइम मेरे को सडनली स्ट्राइक हुआ था कि इधर यहाँ पे यही चीज है करके जो हो रहा है, ये उसकी शक्तियां ऐसी होती है ना कि वो कहीं से कुछ भी ले आता है। आपने बहुत टाइम देखा होगा, पता है बहुत लोग ऐसे हाथ में लड्डू निकालते हैं, कोई घड़ी निकालता है, वो भी यही प्रकार है। ये जो मतलब आजकल कोई कोई बुभुति निकालता है, तो खैर बुभुति और वो गुलाल वगैरह तो मैंने बहुत बार लोगों को बताया कैसे निकलता है। वो गुलाल निकालना है आपको, हाथ में ना एक हाथ में नींबू का पानी लगाओ, एक हाथ में चूना का पानी लगाओ और ऐसे ऐसे घसो, देखो कैसे गुलाल निकलता है। ये सच लोग जो है ना, हाँ आप करके देखो घर पे, चूने में? अच्छा, का पानी बनाओ, हाँ चूना का पानी बनाओ थोड़ा, और हाँ, वो एक हाथ में लगा लो और दूसरे हाथ में नींबू का पानी लगा लो, और 15-20 मिनट के बाद जब सूख जाए उसके बाद में दोनों हाथ को ऐसे मस लो, देखो गुलाल निकलता है नीचे। तो ये तो एसिडिक रिएक्शन हो गया। सब साइंस ही है, ये लोग जो है ना, हमने उसको वो मान लिया, चमत्कार मान हाँ लिया। तो चमत्कार ऐसे भी यहाँ पे बहुत बहुत घूमते रहते। अच्छा वो एक क्या करते मालूम है, अभी तुम्हारे घर में आएंगे ना तो बोलेंगे ठहरो मैं देखता हूँ, अगर एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी होगा तो अगरबत्ती घूमेगा। अब वो करते क्या है, वो अगरबत्ती को जो है ना ऐसा बेंड कर दे, और बेंड करके ट्विस्ट कर दे और वो चावल के अंदर डाल देते। अब वो ट्विस्ट हुए अगरबत्ती है, वो चावल के अंदर खुद का जगह तो बनाएगा, तो वो ऊपर से घूमता है ऐसे, बोले देखो देखो यहाँ घूम रहा है, देखो यहाँ घूम रहा है, वो जहां रुकेगा बोले इस डायरेक्शन में है नेगेटिव। प्रवीण ये ऐसे तो बहुत खेल चलते हैं जी, आप तो बहुत लोगों की ये। पोल खोल रहे हो, सबका धंधा पानी बंद नहीं बोल रही, करवा अरे बोल रही, ये तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, ये सब खेल है ना भाई, दोगे। मतलब ये आपको अगर सोचिए, ये देखना है ना। हाँ अंधविश्वास को आप पर्दाफाश कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। बोलो बोलो, अच्छा लग नहीं रहा है। अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं है, आपको मैं एक बात बताऊं ना, आपको मतलब बहुत अजब लगेगा कि हर धर्म में यही चल रहा है, कहानियां जो है ना ये सब जगह चल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है कोई, अरे क्यों निकाल रहा है मेरे को एक बात बताओ, ये भगवान क्यों निकालेगा मेरे को बताओ। एक सिंपल चीज है,
ये भाई तुम ऐसे क्यों सोच रहे क्या भाई वो गुलाल निकालेगा और वो उदी निकालेगा, क्यों निकालेगा? मगर अरे तुम्हारे को विश्वास दिलाने के लिए उसको वो निकालना जरूरी है क्या? मैंने तो आज तक कभी नहीं निकाला, मगर आप बोलोगे तो कल निकाल के मैं दिखाऊंगा फिर कैसे निकलता है नहीं, अब मैं ये, पकड़ लूंगी मतलब आपको, अब मुझे ट्रिक नहीं आपको पता चल गई और भी लोगों को पता चल गई। पता बीच में एक एक तो वो इसमें ना वो एक हमारे महाराष्ट्र का ही है, राम मानव ना कुछ नाम है उनका, उन्होंने एक संस्था बनाई है कि ऐसे जो मतलब इस तरीके के जो करते हैं ना वो मतलब अंधविश्वास को पकड़ने के लिए, तो उनका बहुत बहुत बड़ा प्रकार चलता है। तो उन्होंने तो बीच में कुछ इनाम विनाम भी रखा था कि बोले अगर कोई चमत्कार बताएगा तो इतना इतना इनाम इतना इनाम, ये उनको पता है ये सब इस तरीके की मतलब मैजिक सी होती है सारी, 99% मैजिक है। मैं लोगों को क्यों बोलता हूं मत जाओ यहां जाओ मत जाओ, क्यों? उसका कारण यही है, होता बहुत छोटा सा चीज है। अभी आपको पता है वो सिडनी वाला जो है ना, सिडनी का जो मैटर था, वो जो पता है वो आपको वीडियो भेजा था उन्होंने, वो उनका किडनी का स्टोन निकल गया था, तो बहुत से लोग मैसेज में डाल रहे थे कि भाई आपने हाँ, इलाज क्या बताया उनको, मैं आपसे पूछने आपने वाली थी उनको कि इलाज, उन्होंने क्या इलाज बताया, तो वो आज हाँ आप सबको हाँ बताइए, मैं उनको पूछने वाली थी उनको वो। उनको इलाज इलाज मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने उनको एक ही बात बोला, एक कैरी ले लो, कैरी वो जो कच्चा आम आता है ना जिसका हम अचार बनाते हरा कलर का, जी हाँ, कैरी जी हाँ बोलते जी, हमारे यहाँ उसको कैरी बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो छोटा सा लेकर के अपने साथ रख लो 24 घंटा, आपको बदन में कहीं भी स्टोन है ना वो चाहे वो किडनी में है चाहे वो उसमें है गोल गॉल ब्लैडर ब्लैडर में में है है कहीं कहीं भी है, भी आप है। ये रख लो साथ में, ये साथ में रख लो, किडनी में है तो कैरी रख लो, देखो ऑटोमेटिक आप देखेंगे ना 4-5 दिन में वो निकल जाएगा डाइल्यूट होके, लेकिन ऐसे इसका में कारण प्रदीप है। जी, अभी तो जैसे विंटर्स का सीजन आ रहा है, अब तो कैरी मिलेगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे, अगले गर्मी गर्मी का इंतजार करेंगे? नहीं तो आपने को ऐसा लग रहा है मगर कहीं ना कहीं तो उगता होगा, आप नेट पे चले जाओ आपको 365 दिन कैरी मिलेगा, अच्छा अमेजोन में डाल दो, हमारे हाँ, यहाँ नहीं उगता है ओके, कहीं और उगता है, आप ओके। अभी भी डालेंगे अमेजोन पे तो मिल जाएगा आपको 100%। अभी उनका देखो ना हो गया ना, वो खुद भी सोच रहे कैसे हो गया, ना उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ जेब में जो है ना 24 घंटा उसने अपने साथ 4 दिन रख लिया, मेरे को उसका 2 दिन के बाद ही फोन आ गया था, मेरे को बोले प्रवीण भाई दर्द तो नहीं हो रहा है अभी, मैंने कहा तुम और 4 दिन रुको 2 दिन, उसके बाद पहले चेक करा लो, जब आपको कंफर्म हो जाए निकल गया ना तो आप कैरी हटा दो। अच्छा लोग है ना उतना ही जान रहे कि अपने बदन में अगर कोई परेशानी है तो अपने को बदन के अंदर कुछ डालना पड़ेगा, ये जो गलत फहमी है ना ये साइंस ने बिठा दिया भाई, तुम्हारे बदन के बाजू में रखने से भी काम करेगा। जैसे अभी एक सिंपल चीज है, आज आपसे मैं जैसा मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था, मैं आपसे इमली का बात करूंगा आपके मुंह में पानी आता है, आपको इमली दिखाऊंगा तो पानी आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना वो सुन करके और देख करके भी काम करती है, तो जब हम कैरी हमारे बाजू में रख देते हैं ना तो वो कैरी जो है ना वो आपके ऑरा के साथ रिएक्शन करती है, जो आपका ऑरा है ना उसके साथ रिएक्शन करती है तो बॉडी के अंदर से एक केमिकल छूटता है वो जो स्टोन को पिघाल देता है, अपने बॉडी के अंदर से ही केमिकल छूटता है। अभी लोग बीमार ज्यादा क्यों हो रहे हैं मैं अभी बताऊंगा तो किसी को ऐसा लगेगा ये मतलब जंगली आदमी है, बीमार क्यों हो रहे हैं? सुबह सुबह जो है ना हमारे मुंह में जो थूक होता है वो हमको फेंकना नहीं चाहिए, सुबह सुबह एक आधा गिलास पानी लेके उसको कोंगला करके अंदर लेना चाहिए, उसके बाद आप दांत घसो। आप लोग क्या करते हैं सुबह सुबह जो है ना वो पेस्ट लगाते हैं और डायरेक्ट घस देते हैं और बाहर थूक देते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो मेडिसिन रात भर में बना आपका बॉडी को यूज करने के लिए वो आपने बाहर फेंक दिया, तो फिर उनको बीमारियां ज्यादा होती है। इसीलिए तो हमारे पुराने समय पे कहा जाता था ना कि उठते ही पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा, वो हमारे पेट में अंदर चला जाएगा, हाँ जो अंदर हमारे चला जाएगा, मुंह का हाँ सलाइवा हाँ है वो वो हमको फेंकने की जरूरत नहीं अंदर है, चला बस जाएगा, सही बात है फिर सही वो बात वहां है, पेट में अपना काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए ये सब बनाए गए थे पुराने टाइम पर। अच्छा। और एक चीज है ना कि जैसे आपको दांत का कोई भी परेशानी है, दांतों में मसूड़ों में कोई भी परेशानी है, उसमें दो है, अगर आपका दांत दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो फिर वो जो अपना
लवंग का तेल मिलता है, और लवंग का तेल लगा दो वहां पे, या नहीं तो लवंग मुंह में रख लो तो उससे भी दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपका मसूड़े का प्रॉब्लम है, मसूड़े का, तो उसको एक वाटी में है ना, थोड़ा सा नमक लेने का और थोड़ा सा अपना राई का तेल, वो दोनों को मिलाओ अच्छी तरह से, और मिला करके अपनी उंगली से जरा ऐसा मसल दो, और मसल करके है ना उसको कम से कम 10 मिनट है ना ऐसे ही रहने दो। 10 मिनट जो है ना उसको ना थूको ना रखो, अंदर मत लो ना बाहर निकालो, 10 मिनट तक आप मुंह बंद करके रखो, उसके बाद में उसको आप थूक सकते हो। आप देखेंगे ना, आप 2 दिन करेंगे ना, तीसरे दिन से आपका मसूड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये मैंने बहुत लोगों को करवाया है, ये हमारे साथ में उस दिन राजीव भाई आए थे ना, उनको भी मसूड़े का बहुत प्रॉब्लम था, एक ही दिन किया, बोले परवीन भाई अभी दूसरे दिन से तो कोई दर्द वर्द ही नहीं। ये बहुत सिंपल सिंपल इलाज है। और एक क्या होता है कि ऐसे अपन देखने जाएंगे ना तो कोई बोलेगा कि ये हमारे लोगों मतलब ये जूना जमाने में ले जा रहा है। आपको एक बात पता है कि लोगों को सेंट क्यों लगाना पड़ रहा है, पता है आपको क्यों लगाना पड़ रहा है? पसीने की स्मेल की वजह से। पसीने पसीने में स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि आप रोज साबुन लगा रहे हो, आप आपके बॉडी के ऊपर रोज ब्लास्ट कर रहे हो आपके स्किन को। साबुन जो है ना ये वन टाइप ऑफ बम है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि साबुन भी जो है ना वो बम का जैसे ही रिएक्शन कर रहा है, मगर वो बहुत माइक्रो लेवल में कर रहा है, मगर होता क्या है तुम्हारे स्किन को जो है ना वो डैमेज कर रहा है। आप देखोगे ना ये जो साधु महात्मा है, जो संत लोग है, इनका स्किन आपको लटका हुआ नहीं दिखेगा, और ये तो साबुन रोज लगाते नहीं है, इनके बदन से आपको स्मेल भी नहीं आएगा। क्योंकि आप देखो अभी हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी है, बराबर है, मैं एग्जाम्पल ऐसा देता हूं, आपकी गाड़ी है, आप उसको है ना 1 महीना रोज साबुन से धो, उसका कलर पूरा फेड हो जाएगा। केमिकल होता है साबुन में इसी वजह से। हाँ, वो पूरा स्क्रैच हो जाएगा, खराब हो जाएगा गाड़ी। आप शैम्पू से धोगे ना तो साल भर में होगा, क्योंकि वो थोड़ा पावर कम होता है, मगर आप क्या कर रहे हो, आपके बॉडी को तो रोज साबुन से धो रहे हो, तो आप जो भी आपका ये जो स्किन है अगर आप उसको मारोगे तो बास तो आएगा ही आएगा, फिर वो बास को छुपाने के सबसे सेंट मारते हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आदमी ऐसा कौन सा गंदा काम करता है कि उसको रोज साबुन लगाना पड़े? कहीं चलो अगर तुम कहीं कोयले के खदान में काम करते हो या कहीं फैक्ट्री में काम करते हो, बात अलग है। आज अच्छे घर में रहते हो, एसी गाड़ी में घूमते हो, और फिर भी रोज साबुन लगाते हो, मतलब बेवकूफी का कोई हद होना चाहिए ना। अब मैं तो बोलता हूं ना, मैं आपको है ना इंसान का बेवकूफी का इतना इतना मैं आपको बता दूंगा ना, आप बोलेंगे सच में क्या कर रहे हैं लोग। जितने हम मॉडर्न होते चलो जा रहे हैं आपको, उतनी गलतियां होती जा रही हैं हमसे। नहीं, आपको आपको साबुन लगाना है ना भाई, हफ्ते में 2 दिन लगाओ, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, रोज का क्या मतलब है? फिर तो तुम्हारे बॉडी से बास आएगा ही आएगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करो, आप 1 महीना तक लगे ना, हफ्ते में 1 दिन लगाओ, आपके बॉडी से स्मेल खत्म हो जाएगा। मैं तो हर चीज बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको आजमाओ, आप खाली मैं बोल रहा हूं करके मत सुनो, उसको आजमाओ। आजमाएंगे ना तो आपको उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। ये सब चीजें ना, ये मैं जिसको बोलते हैं ना कि हर चीज को एक्सपेरिमेंट में लाया हूं, और आप देखना धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका खाना पीना बदली होगा, जैसे जैसे आपका रहने का तरीका बदली होगा ना, वैसे वैसे आपका बॉडी भी बदली होगा, कि वो उस तरीके से इफेक्ट करेगा। अभी हमारी गाड़ियां धोते हैं ना, मैं उसको बोलता हूँ रोज साबुन नहीं लगाना भाई, वो हफ्ते 15 दिन में एक बार साबुन से धोएंगे। ये जो है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें, मगर ये काम करती है अपना। प्रवीण जी, एक और और प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी ना, उसके कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया है कि ये जो गरीब बच्चे होते हैं, अनाथालय होते हैं, जो ब्लाइंड स्कूल होते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए, ताकि हम भी अपनी कोई सेवाएं वहां दे सकें, क्योंकि एक ह्यूमन चैरिटी के तौर पे, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
आपने अगर वो देखो मैं मैसेज पढ़ा हो तो एक एक बात आपको कमेंट्स। बताना चाहूंगा, एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं। एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे फ्रेंड थे, तो एक दिन मैं उसके घर पे गया था। क्रिश्चियन थे वो, हमारे फ्रेंड थे, तो उसके घर पे गया था। तो उसकी लड़की और उसकी औरत, वो बहुत सारी चीजें लेकर के जो है ना, वो बीमार लोगों के वहां देने के लिए जा रहे थे। मतलब जहां पर पेशेंट्स हैं उनको, मतलब बांटने के लिए, अनाथ आश्रम में ऐसे जहां पे पेशेंट्स हैं वहां पे। तो मैंने कहा उसका उसका नाम भी ब्राइन था, मतलब मैं नाम भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फ्रेंड था मेरा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये कहाँ जा रहे हैं? बोले ऐसा ऐसा, उधर वो सब गरीब बच्चे लोग अनाथ आश्रम में इधर उधर जा रहे हैं बांटने के लिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम उसमें से एक आदमी को बुला के दे दो, उन्हीं को डिस्प्यूट करने दो, तुम जाकर के मत करो। बोले क्यों, क्या होता है? मैंने कहा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने खुद जाकर के वहां पे डिस्प्यूट करते हैं ना, उस टाइम में उनके दिलो दिमाग में एक भावना ऐसी आती है ना, अरे यार ये लोग तो कितना मतलब तकदीर वाले हैं। एक उनके दिल के अंदर जो है ना, जो वाइब्रेशंस आते हैं ना, वो तुम्हारे को डैमेज करते हैं। जैसे मैं नेगेटिविटी के लिए बोल रहा हूं ना, कि नेगेटिविटी वाले को तुम निकालने जाओगे तो टच मत करो, उसी तरह अगर कहीं तुमको ये बांटना है तो आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट मत हो जाओ, या आप चाहिए तो उनके किसी एक आदमी को बुला के दे दो, या आप उसको बाय पोस्ट भेज दो, या बाय कुरियर भेज दो। अच्छा, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है परवीन, सब तुम्हारी सोच है। मैंने कहा देख ले तू, मैं तेरे को बताऊंगा। बरबर आप यकीन नहीं मानेंगे, 6-7 महीने के बाद में उसको प्रॉब्लम हुआ बच्चे को। तब मेरे को उसने बताया, बोले यार परवीन ऐसा हो गया। मैंने कहा उसी की वजह से हुआ है, और ये फैक्ट है, मतलब मेरे नजरों के सामने का है। आप इनकी हेल्प करो, देखो हेल्प करो। ये जो है ना, ये किसी ना किसी जन्म का जो है ना, वो अपना कर्म जो है ना उसको काट रहे हैं, तो आप उसमें उधर जाकर के इन्वॉल्व मत हो जाओ। हाँ आप दूर से करो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, मगर आप इन्वॉल्व मत हो जाओ उसके अंदर जाकर के। हम जैसे ऑनलाइन उनको डोनेशन दे सकते हैं, इस टाइप से तो कर हाँ सकते हैं। दे दो दे दो दे दो दे दो, बिल्कुल दे दो, ऑनलाइन दे दो, या उनका कोई आदमी आएगा उसके हाथ में दे दो, मगर खुद वहां पे जा करके है ना, उनको इंडिविजुअल देने की कोशिश मत करो। आप इंडिविजुअल देने की कोशिश करेंगे ना, तभी उनका आपका संपर्क होगा। तो आप दान करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई गरीब है या कोई अपंग है या जो भी है, आप उनको दान करो, मगर आप फिजिकली उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ, क्योंकि आपको खुद को भी संभालना है ना, आपको खुद को भी संभालना है। अच्छा ये ऐसे मेरे साथ, मेरे एक नहीं, एक ये किस्सा हो गया, एक दूसरा और एक किस्सा हो गया। एक हमारा फ्रेंड था ना, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था उसका, उसको एक आदत लग गई, पता नहीं कहाँ से लग गई, वो हर हफ्ते में ना चला जाता था वो, एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, कैंसर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो टाटा है उसमें चला जाता था, और एप्पल ले जाता था एप्पल, और वो हर पेशेंट को, हर पेशेंट के टेबल पे खुद जाके देने लगा, हर पेशेंट के टेबल पे। तो ये चीज मेरे को तो पता नहीं थी, मगर बाद में एक दिन मेरे पास आया तो बहुत ज्यादा परेशान था, तो मेरे को बोले यार परवीन बहुत परेशान है। मैंने कहा तेरे को बहुत जगह से नेगेटिविटी आया है, तू ऐसे जगह पे गया था क्या, कि जहाँ पे बीमार आदमी रहे या जहाँ पे ऐसा दुखी लोग रहे? बोले हाँ मैं तो हर हफ्ते में जाता हूँ बांटने के लिए। अरे मैंने कहा तू क्यों जाता है, तू टोकरी छोड़ देना, बांट देना, वो लोग बांट लेंगे ना। बोले नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अरे मैंने कहा वहीं से तेरे को परेशानी हो गई है, मत कर ऐसा काम। देखो हम लोग जो काम करने जा रहे हैं ना, उसका तरीका हमको पता होना चाहिए, उसका तरीका अगर आपको पता है ना, तो आप धर्म कमा लोगे, आप धर्म कमा लोगे, नहीं तो आप आपकी शक्ति गवा दोगे। जो एनर्जी आपने आपने जो आपके साथ में जो ओरा लाया हुआ है, वो ओरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में प्रवीण जी, मैं आपको 1 मिनट यहाँ टोकना चाहूंगी, फिर आप अपनी बात को जरूर कंटिन्यू करें। मैं बस एक छोटा सा हाँ हाँ प्रश्न रखना चाहूंगी कि अगर आपने बताया कि हॉस्पिटल में जाने से हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है, आपके फ्रेंड ने एप्पल रोज देना शुरू किया, उनके ऊपर नेगेटिविटी आ गई, तो अब जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं 24 घंटे हॉस्पिटल की ड्यूटी है, तो ऐसे लोगों का तो ऑरा बहुत वीक होगा, उनके घर में तो बहुत नेगेटिविटी होती होगी, इन केस अगर ऐसा है तो। नहीं, उनका कारण है ना, वो जो हॉस्पिटल में काम करने आए हैं ना,
वो जो हॉस्पिटल में काम करने आए तो ऊपर वाले ने उनको वो हिसाब से ही बना के भेजा है। उनके जो पिछले जन्म के जो इतने पुण्य थे ना, तभी उनको खुदा ने वहां भेजा है हॉस्पिटल में। वो आप उससे कंपेयर करने जाएंगे ना, उनसे अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो उनका ड्यूटी है, आपका ड्यूटी नहीं है। हाँ, या तो आप भी वहां पे 24 घंटा रहो तो आपका ओरा उसमें मैच हो जाएगा, उसके अंदर आपका ओरा मैच हो जाएगा, मगर फिर वो सस्टेन करने का आपको ताकत चाहिए ना। अभी मैं एक सिंपल चीज बताता हूं। मैं एक बार, उसमें हमारी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग चलती है ना, उसमें मैं जाता था। उस टाइम पे उन्होंने मेरे को पनिशमेंट के हिसाब से एक जगह हॉस्पिटल में भेज दिया था 2 महीने के लिए। बोले यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके तुम्हारे को काम करना है। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो मतलब ऐसी जगह था ना जहां भेजा था उन्होंने, तो वहां पे सब डेड बॉडीज डेड बॉडी। तो मगर वो वहां पे जाओ तो पहला 2 पैग गरम पिलाते थे, बोले फिर काम करो। मगर क्या होता है कि वो क्यों किया, वो बैलेंस करने के लिए। मगर उसने जो मेरे को भी जो नेगेटिवनेस आया था ना, तो मैं जानता हूं ये फैक्ट है। अगर आप किसी को, आप कभी देखो ना चेक करा के, आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना बरोबर, तो जो लंबे से दान कर रहे हैं ना उनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, आप अगर आप कल आपके वीडियो में बोलोगे ना भाई ऐसा किसी को परेशानी हुआ है, तो देखो आप कितने लोगों का आता है। अच्छा, उनकी गलती नहीं है, वो तो अच्छा ही करने जा रहे हैं भाई, वो तो अच्छा ही करने जा रहे हैं, वो जा तो अच्छा ही करने। अच्छा, मेरी बातें जो है ना, ये लोगों को दुनिया से अलग लगेगी, क्योंकि मैं उसके जड़ में चला जाता हूं। अभी एक मैंने आपको किस्सा बताया कि नहीं पता नहीं, कि जब मैं दिल्ली में रहता था तो वहां पे एक मेरे पास वायरमैन आता था। आपको बताया ये किस्सा मैंने, नहीं पता नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करवाया। वायरमैन आता था, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे घर में उसने एसी वगैरह सब बिठाया था। तो मेरे को एक दिन ऐसे ही बोलने लगा, बोले बाबूजी एक बात पूछूं आपसे। बोले क्या? बोले तू अमीर कैसे बन गए? अच्छा, वो क्या, मैं राजू भाई को कहानी बोलता था ना मेरे बचपन की गरीबी की, तो वो लोग सुनते ना, मैं जो मेरी बताता था, मैं भाई बचपन में तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो वो मेरे को बोले बोले आप अमीर कैसे बन गए? मैंने कहा तेरे को बनना है अमीर? बोले हाँ। मैंने उसको पूछा दारू वारू पीता है? बोले हाँ पीता हूँ। मैंने कहा पीता है? बोले यही ठेके पे जाता हूँ, ठेके पे रोज पीता है। बोले हाँ रोज थोड़ा थोड़ा पीता हूँ। मैंने कहा मत पी वहां पे मत पी। बोले क्यों? बोला तुम एक काम कर, हफ्ते में एक दिन पी, मगर अच्छे एसी होटल में बैठ के पी। तो बोले परवीन भाई, वो तो बोले बाबूजी बहुत महंगा महंगा मिलता होगा। तो मैंने कहा तेरा हफ्ते भर में तो तू एक दिन बैठ सकता है। तो बोले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मतलब कोशिश नहीं, तेरे को बड़ा आदमी बनना है तो यही करना। बोले ठीक है। तो ये बात हो गई, उसने मेरे यहाँ का काम करके चला गया। कम से कम साल भर के बाद, साल सवा साल के बाद में मेरे को एक दिन मिल गया। तो अच्छा, वो बार बार आता था, मैं बॉम्बे रहता था तो वो आता था, तो मैं मिलता नहीं था उसको। एक दिन मैं लकीली रुक गया था वहां दिल्ली में, और वो आ गया, आया बाबूजी, अरे मेरे को मिलने लगा एकदम, हाथों हाथ मिलाने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आपने बोला था ऐसे ही हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं एसी होटल में जाके बैठता था, तो वहां पे एक आदमी मेरे को मिल गया। अच्छा, ये भी अकेला बैठता था, वो भी अकेला बैठता था, तो एक आदमी मिल गया। तो उसने बातों बातों में पूछा क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो इसने बोला मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, वायरिंग का, एयर कंडीशन का, ये वो। तो इसने उसको पूछा, बोले तुम एसी बना लेते हो क्या? बोले हाँ बना लेता हूँ, बना भी लेता हूँ। बोले बोले फिर अपन एक काम, दोनों धंधा करेंगे क्या? बोले क्या? बोले अपन जूना सामान लेके एसी बनाएंगे और लोगों को गर्मी में भाड़े पे देंगे, गर्मी के मौसम में भाड़े पे। आज के तारीख में कम से कम, नहीं नहीं तो पूरा दिल्ली में उसके मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार से ज्यादा एसी लगे होंगे रेंट के ऊपर। तो इन्होंने ये बिजनेस चालू किया। तो बाद में आके मेरे को बोलने लगा, बोले सेठ, बोले अब तो बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। उस टाइम पे उसके 1500-2000 एसी भाड़े पे लग गए थे। बोले हमारे को 4 महीना भाड़ा मिलता है, और उनको जो 4 महीने का भाड़ा है ना, उसमें उनका एसी का पैसा वसूल हो जाता था। वो खाली आगे का ग्रिल नया लगाते थे, अंदर से सामान जूना, एसी चलना चाहिए। आप रेंटल पे जो है ना एसी, वो आज भी चौबे करके वो बहुत लगाता है वहां पे दिल्ली में। तो ये जो फर्क क्यों हुआ, क्यों के जो
वाइब्रेशन जो ढाबे का है वो लो वाइब्रेशन है, और जो एयर कंडीशन होटल का है वो हाई वाइब्रेशन है। वहां पे जो आदमी आए हुए हैं उनका ओरा अलग है, जो ढाबे में बैठे हुए हैं उनका ओरा अलग है। अगर आपको किसको अमीर में से गरीब बनाना है, उसको ढाबे की आदत लगा दो, आप देखना साल भर के बाद में ना जो परेशान दिखेगा। अगर उसी की जगह किसी को अगर 5 स्टार होटल में बैठने की आदत लग जाए, उसका ओरा चेंज हो जाएगा। इसको तो हमने आजमाया है, मैं और मेरा पार्टनर था ना, हमने ये सूत्र पकड़ लिया था। तो जब भी कभी ऐसा लगे ना यार थोड़ा परवीन मजा नहीं आ रहा, तो बोले चलो फिर कुछ होवे नहीं होवे जाकर के 5 स्टार होटल में बैठने का, 4-5 घंटा वहीं बुफे वुफे लेने का, फिर आने का। वाइब्रेशन जो है ना उसको पहचानो, ये वाइब्रेशन का काम है ना, ये आप आपका खुद का देख लेना, आप इसको आजमाओ। आप है ना कम से कम हफ्ते में एक दिन है ना, भले 2 घंटे के लिए जाकर के 5 स्टार पे बैठो, भले एक चाय पी के आओ, आप देखना आपके सारे कॉन्टेक्ट चेंज होंगे धीरे धीरे। ये वाइब्रेशन जो है ना वो उसका काम करता है। एकदम एक सिंपल चीज बताता हूं, जैसे आप अगर मंदिर में जाके बैठते हो बराबर है, तो आपका ओरा कैसे चेंज होता है, वैसे ही अगर आप 5 स्टार होटल में बैठते हो तो आपका ओरा वो शेप ले लेता है। और उसी तरह से अगर आप शमशान में जाते हो, शमशान में, शमशान से आने के बाद आपको कैसा सैडनेस आता है, आप भले उधर कुछ नहीं करते हो, आप खाली जाके आए, आने के बाद सैडनेस आया। तो ये हर जगह का है ना, एक वाइब्रेशन है, एक हर जगह का एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन जो है ना वो आपके बॉडी को इफेक्ट करता है, वाइब्रेशन जो है ना वो बॉडी को इफेक्ट करता है। ये अभी बहुत से लोगों को लगेगा ये इस तरीके से बातें कर रहा है, मगर ये फैक्ट है। जब आप इसके ऊपर ध्यान दोगे ना एकदम, एक ऐसी बात बताता हूं मैं, अपने घर से कितना भी अत्तर ला गया है बरोबर है, अब आप मेरे घर आए, और उतने में अगर वो पेस्ट कंट्रोल वाले ने दवा मार दिया तो क्या होगा, आपकी खुशबू चली जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं बाद में बाहर निकलूंगी तो मेरी खुशबू आएगा, नहीं आएगा, वो पेस्ट कंट्रोल की दवा की खुशबू आएगी बाहर जाएंगे तो। ये सब समझने का चीज है जो मैं बोल रहा हूं ना। ये आदमी लोगों को लगेगा कि भाई गरीबों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, ये भगत आदमी है। मैं भगत हूं, और भगत हूं मगर मैं ऐसा अंध भगत नहीं हूं, जिसको अंधा भगत बोलते ना वैसा नहीं हूं। मैं हर चीज को सोच समझ के उसके अंदर आपको जाने को बोलूंगा। भाई आज अगर भगवान ने अगर आपको शक्ति दिया है तो आप किसी की मदद करो, मगर अपनी शक्ति भी संभालो। अब मैं बोलता हूं ना आपको 100 रुपया देना है, उसके जगह 1,000 रुपया दे दो, या तो आप मतलब पोस्ट कर दो, या आप सामान कुरियर कर दो उनके वहां, क्या परेशानी है। आपका चेहरा दिखाने क्यों जा रहे, और आप आपका मतलब उसका वाहवाही लेने क्यों जा रहे। भाई दान का मतलब क्या है, दान का मतलब तो यही है ना कि पता ही नहीं चले किसने दिया है, गुप्त रूप तब से तो उसका किया, आपको पुण्य मिल, हाँ गुप्त रूप से किया गया पता ही नहीं दान। चले, हाँ पता ही नहीं चले, उसको दान बोलते ना। आप अगर वहां पे जाकर के अगर आप फिजिकली खुद इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप तो आपका दान भी खराब कर रहे हो, आपका सेहत भी खराब कर रहे हो, और आपका भविष्य भी खराब कर रहे हो, उसको क्या करेंगे। एक सिंपल चीज है ना कि एक चीज समझ लो, पानी में मगरमच्छ है बरोबर है, अब आपको आपको उसके लिए सिंपथी है तो आप उसको खाना डालते हो, मगर आप बोलोगे मैं पानी के अंदर जाके खाना डालूंगा तो क्या होगा। तो ये बात है, ये लोगों को है ना ये चीज जो है ना ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई हर चीज को कैसे करना है, मतलब किस हिसाब से करे। आपको याद होगा, पता है मैंने एक दिन एक ऐसे शादी के विषय में बात चल रहा था, पता है मैंने बताया था कि ये एक बार अगर आपने कन्या दान कर दिया तो दान का मतलब क्या है, हमेशा के लिए अगर दे दान देना करने के बाद भाई। हाँ दे दिया हमने बरोबर है, और उसके बाद भी अगर आप उससे आपका लगाव रखते हो और आप उसको अगर अपने इसमें इन्वॉल्व करते हो तो उसका घर खराब होगा। जितने भी घर आज तक खराब हुए ना, ये ना किसी मर्द ने किया ना औरत ने किया, ये किया है तो जिन्होंने दान दिया ना ये उन्हीं ने किया है। तो आप दान दो मगर अपने आप को संभालो। अच्छा प्रोसेसर जो है ना एक, अच्छा
अभी बीच में बताया कोरोना हो गया था, कोरोना कोरोना हो गया था, ठीक है। तो डॉक्टर लोग क्यों सारे के सारे कांच के पीछे बैठते थे और वो हैंड ग्लोव्स डाल के चेक करते थे, भाई वो तो डॉक्टर है, उसको क्या होने वाला। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर भी इंसान ही है, वो खुद का भी तो सेफ्टी देखेगा ना, पीपी किट लगा के काम करते थे, ये भी तो बात है ना। अच्छा बीच में किसी ने अभी 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 का जस्ट अभी का ही बात है, वो किसी ने कमेंट में डाला था कि बोले जब बाबा ने अगर प्लेग निकाल दिया, जब प्लेग इतना बड़ा हटा दिया तो फिर ये कोरोना क्यों नहीं हटाया। उसके जगह उसका बात बराबर है पूछना, कोरोना क्यों नहीं हटाया। तो यही चीज है ना, ये मैंने कोरोना के टाइम बाबा को भी पूछा था, मैंने कहा बाबा इसके लिए क्या करे कोरोना के लिए। अरे बोले परवीन कुछ है ही नहीं, तू काहे के लिए उसमें मगजमारी कर रहा है। उन्होंने जो मेरे को सच्चाई बताई ना, अगर मैं आज बताऊं ना तो लोग पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, यानी जिसको बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया जो है ना वो नंगी हो जाएगी। बाबा ने बताया कुछ है ही नहीं, तू काहे उसमें मगजमारी कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ, कोरोना के दिन हम लोग घर के अंदर बैठे थे, जो सामान लाते थे, किराना लाते थे, भाजी लाते थे, खाना लाते थे, उनको क्यों नहीं होता था कोरोना। ये जो रोड पे पुलिस घूमती है उनको क्यों नहीं होता था कोरोना। ये सब मतलब जो उसको बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल जो है ना वो थिंग्स था। तो उसके बाबा क्या करेंगे, बाबा बीमारियों से पहुंच सकते हैं मगर किसी की सोच से क्या पहुंचेंगे। वो तो जब 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 उनको उसका फल मिलेगा तो वो जान जाएंगे खुद ही। ये इस तरीके के सब बात है, ऐसा नहीं है। मेरे दिल में भी आया था। अब मैंने पूछा, अच्छा कुछ लोग जो थे वो मास्क लगाए बगैर ही घूम रहे थे, तो वो क्या स्टील के बने हुए लोग थे क्या। हमारे देश में ही कुछ लोग बगैर मास्क के घूमते थे, बगैर मास्क के भाषण भी दे रहे थे, वो कोई स्टील के लोग थोड़ी थे। उसके बाद तो हमने समझना चाहिए ना क्या था क्या नहीं। ये ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हैं, या अभी क्या है जिसको बोलते हैं ना कि अपनी सोच बड़ी है, अपनी जानकारी बड़ी है, मगर हम जो पोजीशन में है ना वो पोजीशन छोटी है, पोजीशन छोटी है ना, इसके लिए हम नहीं बोल पाते। फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल देते, आ जाता है मूड में तो बोल देते, जो होगा होगा, बाबा बैठे हैं भाई, परम शक्ति तो बैठी है अपने साथ। और बताइए और क्या जानना चाहेंगे मैडम। प्रवीण जी, मुझे लगता है अभी तो हमारा देखो ये सेशन किसी की खत्म भी होने मदद वाला है, लेकिन करो, आप बताइए। किसी की हाँ भी मदद करो ना मैडम, किसी की भी मदद करो आप, चाहे आर्थिक करो, चाहे शारीरिक करो, चाहे धार्मिक करो, किसी की भी मदद करो, मगर उसमें एक चीज आप देख लो कि आपकी सेफ्टी और आपकी पोजीशन को डैमेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी है ना बहुत टाइम पे मैं बहुत गलती कर लेता हूं, अभी भी मैं खुद भी गलती करके आया हूं 8 दिन पहले, अब क्या बताऊं। मगर अभी बाबा की दुआ से धीरे धीरे कंट्रोल हो गया, परेशानी तो उठाना पड़ेगा। अगर आपने कोई बड़ा चीज उठा लिया है तो हाथ पैर दर्द तो करेंगे करेंगे, मगर उसी की जगह अगर हमने बुद्धि लगा के, अगर चैनपुरी लगा के उठाया तो नहीं करेगा दर्द। आज अगर हमारे ताकत से बड़ा अगर हम चीज उठा दे तो हाथ से उठा लिया तो दर्द करेगा, मगर उसी के जगह अरे बाबा नहीं रहे रुको चैनपुली मंगाओ हाथ से उठाओ तो कुछ नहीं होगा। आपको धर्म करना है, कर्म करना है, बहुत अच्छी बात है, निस्वार्थ कर्म करो, दान कर दो ना, बेच दो, दे दो, तुम खुद मत इन्वॉल्व हो जाओ। खुद इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो फंस जाओगे, और ऐसे बहुत लोग फंसे हुए अभी ये वीडियो देखने के बाद है ना, जो जो फंसे हुए वो आपको मैसेज भेजेंगे भी कि भाई ये गलती हमने कर ली है, क्योंकि इसकी इसका परिणाम बहुत खतरनाक आता है। अब आपको बोलना नहीं चाहिए, उसके तो बच्चे को कैंसर हो गया था, जो मैंने बताया ना, मतलब जो मेरा फ्रेंड का लड़की जाता था बांटने के लिए, उसको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया था, बाद में खैर बाबा ने उसको निकाल लिया बाहर, मगर परेशानी उठाए ना बहुत बहुत परेशानी उठाए। वो बोलते ना वो अर्श से फर्श पे आ गया, क्या करेंगे। जो आदमी के पांच पांच गाड़ियां घूम रही थी, दो बंगले पड़े थे, एक एकड़ की फैक्ट्री पड़ी थी, सब ताब हो गया। ये नेगेटिव एनर्जी बहुत बहुत ही तकलीफ दे देता है। नजर दोष जो बोलता हूं ना मैं, नजर दोष, अभी आप जाओगे अनाथ आश्रम में बरोबर है बांटने के लिए,
तो आप उनके उनकी तरह कपड़ा पहन के जाओगे? नहीं जाओगे। आपको, आप तो आपके पोजीशन से पहन के जाओगे ना, तो वो उस टाइम में आप उसको खुशी नहीं दे रहे, उसको गम दे रहे, तो उसके मन में दुख होता है, साला ये लोग कैसे रह रहे, हम कैसे रह रहे। आप समझो एक बात, उनको दुख, आप क्या खाने दे रहे उससे मतलब नहीं है। हाँ, या तो आप जाओ वहां पे, तो आप उनके तरह बन के जाओ, पुराने कपड़े पहन के जाओ, बाल वाल बुखर के जाओ, तो ठीक है, वो तो कर नहीं पाएंगे हम। तो ये सब जो चीज है ना, ये छोटी छोटी चीज है, मगर ये इफेक्ट बहुत करती है, बहुत इफेक्ट करती है। ये दुनिया में जो है ना, जीने का तरीका जिसको बोलते हैं ना, जीने का तरीका वही धर्म है। जीने का तरीका जो है ना, वही धर्म है कि तुम सुखी रहो, चार आदमी कैसे सुखी होंगे, वो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। भक्ति करो, दान करो, धर्म करो, मगर कुछ सोच के करो। एक हेलो, छोटा सा, एक छोटा सा मैसेज दे दूं, छोटा सा। अगर जिसने भी, मैं एक बताता हूं, जिसने भी अगर वैक्सीन लिया हुआ है ना, तो उसने कम से कम 4 दिन तक है ना इमली के पत्ते खा लेना, उसका साइड इफेक्ट निकल जाएगा। 4 दिन तक इमली के पत्ते जो है ना, इमली के झाड़ के पत्ते ला करके खा लेना सुबह सुबह। बहुत लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है वैक्सीन का, मगर वो उससे निकल जाएगा, ये मैंने स्टडी किया। आज के लिए समाप्त करें। जी नहीं प्रवीण जी, ओम आज चाईराम, ओम आपने चाईराम। बहुत सारी गहरी इंपॉर्टेंट बातें बताई जिनका हमने कभी इतने दूर तक हमने सोचा ही नहीं था। मन में भाव सबके होते हैं, लेकिन उसका उन भाव को किस तरीके से सामने व्यक्त किया जाए जिससे हमारा भी नुकसान ना हो, सामने वाले का भी नहीं हो, इस बात को हमने बहुत अच्छे से आपके इस वीडियो के द्वारा समझा। और बिल्कुल जो भी इस मैडम, मेरे वीडियो को साथ देख रहे हैं वो तो जरूर अपना, उनको भी आपको आपका जो ये मैसेज उनको मिल जाएगा जिन्होंने कमेंट किया था। आप एक चीज समझ लो ना मैडम, कि मैं आईना हूं, और वो भी माइक्रोस्कोप लगा हुआ आईना हूं। आप इसके तभी सामने कुछ रखोगे ना, कुछ रखोगे तो पूरा खुल जाएगा। हाँ, तो लोग इतना पसंद करते हैं कुछ आपको रखोगे तो खुलेगा। अच्छा, जी। वो फिर सुनने का और उसको समझने का जो है ना इच्छा होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जो समझ जाएगा ना, जो समझ जाएगा उसके लिए सोना है, और नहीं समझेगा तो वो बकवास ही समझेगा। अगर समझ जाएगा उसका उपयोग करेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। कोई भगवान मानता है तो उसके लिए सब कुछ हो जाता है वो, और कोई पत्थर मानता है तो कोई क्या करेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ओम साई राम, ओम साई राम ओम प्रवीण जी, साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है चलने का। फिर जल्द मिलेंगे इस वादे के साथ कि भगवान के साथ और प्यार में बने रहिए, ऊपर वाले से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखिए, प्रवीण जी के साथ अपना प्यार बनाए रखें। ओम साई राम।